तो चलिए रुक करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिस व प्रशासन की तैयारियों को लेकर के रविवार को समीक्षा बैठक की। अपने सरकारी आवास से व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से जुड़े। इस बीच योगी ने दो टूक कहा कि पर्व त्योहार पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। आबादी के बीच पटाखे की दुकानें और गोदाम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आग से बचाव के सभी जरूर उपाय सख्ती के साथ किए जाए ताकि कोई दुर्घटना होने पर तत्काल आग पर काबू पाया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे इंतजाम किए जाए कि सभी नागरिक पर्व त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके और नागरिक सुविधाओं में कहीं कोई कमी ना हो। त्योहार पर्व के अवसर पर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ होगी, ऐसे में सभी शहरों में बेहतर ट्रैफिक प्लान बनाकर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनावश्यक कटौती की शिकायत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि खान पान की चीजों में मिलावटखोरी स्वीकार नहीं होगी। ऐसे में मिलावट के खिलाफ सघन प्रदेशवासी अभियान चलाया जाए और प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी की जाए। तो देखिए आगामी त्योहारों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, किसी भी प्रकार की कोताही इस बार दीपावली के त्योहार में नहीं बरती जाएगी। अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो आगामी त्योहारों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। तो अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की इस बार कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खान पान की चीजों में मिलावटखोरी इस बार स्वीकार नहीं होगी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो अनावश्यक कटौती की शिकायत है वो भी नहीं आनी चाहिए। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बैठक में कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में कड़े निर्देश दिए गए हैं आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर के। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए। त्योहार पर्व के अवसर पर बाजारों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिलती है और इसी को लेकर के इस बार ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरों में बेहतर ट्रैफिक प्लान बनाकर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए ताकि लोगों को इस बार त्योहार में कोई परेशानी की आशंका ना रहे, कोई भी परेशानी लोगों को सहनी ना पड़े। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में कड़े निर्देश सीएम योगी ने दिए, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इस बार किसी भी प्रकार की कोई कोताही त्योहारों पर नहीं सही जाएगी। तो संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि आबादी के बीच पटाखे की दुकानों और गोदाम किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सख्त निर्देश इस बैठक में सीएम ने अपने अधिकारियों को दिए। इस बीच योगी ने दो टूक में ये कहा है कि पर्व त्योहार पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और आबादी के बीच पटाखे की दुकानें और गोदाम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए आग से बचाव के सभी जरूरी उपाय सख्ती के साथ किए जाए ताकि कोई दुर्घटना होने पर तत्काल आग पर काबू पाया जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश अपने अधिकारियों को इस बैठक में दिए हैं कि इस बार किसी भी प्रकार की कोताही दिवाली के त्योहार पर नहीं बरती जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई और उसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि आगामी त्योहारों को लेकर की कोई कोताही नहीं बरती जाए। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, इसमें त्योहार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि त्योहार में
कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आ जाती है सामने की, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ता है और सरकार ना चाहकर भी नहीं दे पाती और विपक्ष दलों को इसको कहने का मौका मिल जाता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस बार विपक्ष दल की पार्टी किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले, क्योंकि आगामी दिवाली आने वाली बहुत बड़ा उत्सव है हिंदू पर्व का, हिंदुओं का, जिसको लेकर उन्होंने एक बैठक बुलाई है। बट इसमें खासतौर पर देखा गया है कि जो पटाखे बनाए जाते हैं, पटाखे बनाने को जिनको लाइसेंस दिया जाता है, इनको बेचने का लाइसेंस दिया जाता है, उन सब चीजों पर लोगों पर सख्त तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि पटाखे केवल उन्हीं लोगों को बनाने की इजाजत मिले जिनके पास पूरी सुविधाएं हैं, जिनके पास उनकी व्यवस्थाएं हैं, और बेचने की अनुमति ही उन्हीं को दी जाए। अवैध रूप से इस तरीके से कोई भी काम करता है तो उस पर सख्त निर्देश कार्रवाई कर दी जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिले के डीएम से, एसपी से, पुलिस अधिकारियों से सख्ती तौर पर निपटने के लिए कहा है। जी देवेंद्र, देखिए दिवाली के मौके पर हमेशा ये देखने को मिलता है कि कई बार पॉल्यूशन का जो लेवल है काफी बढ़ जाता है, इसको लेकर के भी प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल सही कहा, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू और मुद्दा बन जाता है दिवाली को लेकर, जिसको लेकर प्रशासन ने पटाखों की जो फैक्ट्री जो पटाखे बनाएंगे उनको भी निर्देश किए गए हैं कि ऐसे कोई भी पटाखे ना बनाए जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो। पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने एक अपनी गाइडलाइन भी जारी की है, वो गाइडलाइन सभी पटाखे फैक्ट्रियों को भेज दी गई है कि उसके मानक के अनुरूप भी पटाखे बनाए जाए, बहुत ज्यादा पटाखों में मसाले का इस्तेमाल ना करें जिससे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैले। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब पटाखा जिस दिन दिवाली मनाई गई थी शाम के वक्त कुछ क्षण के लिए पूरा बादल एक धुंध के रूप में छा गया था और उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो उसमें एक माप था उसमें ये देखा गया था कि काफी ज्यादा प्रदूषण उस दीपावली के दिन फैलता है। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में निवेश के नए रास्तों को खोलने के लिए सीएम योगी की आज बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में तमाम देशों के राजदूत के साथ विदेशी मेहमान भी रहेंगे। आपको बता दें कि शाम को सीएम योगी सभी मेहमानों और राजदूत प्रतिनिधि मंडल के साथ सम्मान में रात्रि भोज भी करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में विदेशों में तैनात भारत के राजदूतों से करेंगे मुलाकात। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिहाज से यह मुलाकात होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इस बार कई देश हिस्सा ले रहे हैं। सरकार के मंत्री और अधिकारियों को भी विदेशों में रोड शो करने हैं। इस मुलाकात में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और एमएसएमई मंत्री राकेश भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी इस दौरान 15 देशों में तैनात करीब 1.5 दर्जन भारतीय राजदूतों से मुलाकात करने वाले हैं। तो सीएम योगी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। 15 देशों में तैनात राजदूतों से सीएम योगी की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के मामले में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई में मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से कुछ दिनों की मोहलत दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट अब 2 दिन बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से इस मामले में सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने वाराणसी के जज की कोर्ट से इस केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए। देखिए आज कोई जजमेंट नहीं आया है। आज इस ज्ञानव्यापी प्रकरण में एक और सुनवाई थी। आप जो सबको जैसे पता होगा कि 12 सितंबर 2022 को माननीय न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने, ये होल्ड किया था कि जो 5 महिलाओं की तरफ से श्रृंगार गौरी का मुकदमा डाला गया है वो पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित नहीं है और वफ एक्ट 1995 से बाधित नहीं है। उस फैसले को आज मस्जिद कमेटी ने यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को लगी है और माननीय न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ये निर्देशित किया है कि इस केस का सारा रिकॉर्ड फोटोकॉपी करा के उसको सत्यापित करके माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। अब इसकी अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को 2 बजे होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, देखिए हाईकोर्ट अब 2 दिन बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा, फिलहाल क्या जानकारी अभी? देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो हाईकोर्ट में जो यहाँ से वाराणसी जिला न्यायालय से चला गया है फैसला,
वो वहां पे भी बहस जारी है। और मैं आपको बता दूं आईसीपी की यहां पे भी बहस जारी है, जो अजय कुमार विश्वेश की अदालत में यहां पे आज जो पिछले महीने जो सत्तावादी पक्षकार जो जुड़ने वहां पे दाखिल किया था पर्चा, उनका आज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में उनका जिला जज ने जो है पर्चा जो है निरस्त कर दिया है कि जितने वादी पक्ष हिंदूवादी पक्ष पहले से जो थे 4 महिलाएं थी वही रहेंगे। और उसमें 17 लोगों में मेन जो लोग हैं उनका श्री काशी मंदिर के महंत जो है कुलपति त्रिपाठी और उनके कुछ मित्रगण हैं जो अपना पक्ष रखने के लिए वहां पक्षकार का मुकदमा दायर किए थे। जी आयुषी जी, अब देखिए आज तो कोई फैसला आया नहीं, तो क्या ये कह सकते हैं कि 19 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी, इसके बाद कोई फैसला आएगा? जी, आज की देखिए आयुषी आपको बता दूं कि आज की जो बहस हुई है अजय कुमार विश्वेश्वर की अदालत में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो बहस हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि वजू खाने की जो सफाई को लेकर जो हुई थी बहस वहां अंदर जो हुई है वजू खाने की सफाई को लेकर हुई थी, जो भी गंदगियां वहां फैली हुई है और पक्षकार को लेकर हुई थी, तो इसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि 19 तारीख को कुछ न कुछ फैसला जरूर आएगा। जी आईसी चलिए शुक्रिया अमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते खबरों की ओर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा और लोगों के हालचाल जानने के लिए लगातार बस्ती में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी क्रम में सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक बस्ती दौरे पर आए, जहां वो बहादुरपुर के डकही गांव के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। इस दौरान एक महिला डिप्टी सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उन तक पहुंच गई और रोने लगी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन अधूरे में छोड़ा और पहले महिला को चुप करवाया। हमारी सरकार प्रदेश के सभी आम नागरिकों के हित में काम कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पर हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बस्ती में इसीलिए भेजा है कि यहाँ जाकर हम बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द सुने और उनको जो भी आवश्यक सामग्रियाँ हैं उनको तत्काल उपलब्ध कराएं, जीवन जीने लायक जितनी आवश्यकताएं उनको हम पूरा करें। अभी राशन अन्य सामान यहाँ पर वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने भी निर्देश दिए जिनके मकान बाढ़ के कारण गिर गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। झांसी दौरे पर आए नगर निगम चुनाव के सह प्रभारी सतीश द्विवेदी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी झांसी नगर निगम चुनाव की सभी तैयारियां पार्टी पूर्ण कर रही है। इसी के तहत झांसी में सह प्रभारी और प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से नगर निगम को जीतने की बात कही। इसके साथ साथ सह प्रभारी सतीश द्विवेदी ने बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है और उसी का परिणाम है कि हर चुनाव जीतती है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायतों के चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या सहकारिता के चुनाव हो। नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तब भी जीतती रही है बड़ी संख्या में जब प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती थी, देश में हमारी सरकार नहीं होती थी। हम पिछले चुनाव में भी 16 में से 14 नगर निगम जीते थे। इस समय तो सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार दोबारा ऐतिहासिक बहुमत से बनी है, इसलिए इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि जो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश के उन सभी को जीतना है। उसी क्रम में मुझे भी झांसी नगर निगम चुनाव में सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के शुभारंभ के मौके पर कानपुर देहात में मीडिया से बातचीत की और कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बता दें कि कानपुर देहात माती में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 75 जिलों में एक साथ डिजिटल बैंकिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर पहुंचकर डिजिटल बैंकिंग के फायदे और सहूलियत को जनता के बीच रखा। इस बीच प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद देवेंद्र सिंह भोले सहित कई पार्टी के पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। वही मंत्री कौशल किशोर ने देश में बढ़ रही नशे की लत को खत्म करने की बात भी कही और मंच से ये कहा कि मैं सांसद होने के बाद भी अपने बेटे को भी बचा पाया, वो नशे का लती हो चुका था। मेरी पत्नी विधायक है और मैं खुद सांसद हूँ, लेकिन नशे की आदत मेरे बेटे को हो गई थी। मैंने बहुत जतन किया लेकिन नहीं बचा पाया।
प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हर बैंक में डिजिटल बैंकिंग शुरू, इसके लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरे देश के अंदर 75 जनपदों ने डिजिटल बैंकिंग शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 जनपदों को चुना है, झांसी है, आगरा कानपुर देहात में अकबरपुर है और लखनऊ है और बनारस है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर काम शुरू की गई है, जिसमें 24 घंटे एक कार्ड में डिजिटल लेन देन रहेगा और वर्किंग आवर जो रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उस पीरियड में जो लोग डिजिटल बैंकिंग कैसे की जाएगी, लेन देन कैसे शुरू किया जाएगा उसको सीखना चाहेंगे तो उनको सीखने के लिए वर्किंग आवर में किया जाएगा। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने मतदान किया। इस दौरान लखनऊ में कांग्रेस की शीला कौल और अंशु अवस्थी ने भी अपना वोट डाला, जिसके बाद अंशु अवस्थी ने कहा कि वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को स्थापित करने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट देकर गौरवान्वित है, इससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा। वोटी तो चल ही रही है, बहुत अच्छी तरह से सब लोग जोश में हैं। तो क्या आपको क्या लगता है वोटिंग किसकी तरफ ज्यादा की जगरेगी? वो तो देखे डिब्बों में चला गया है, जो हमारे पार्टी के लिए सही है वही हो रहा है इस वक्त। तो नहीं देखिए, हम सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपना मताधिकार कर रहे हैं, मैंने भी मताधिकार किया है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वो राजनीतिक दल जिसने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में उनके लाखों नेताओं ने कुर्बान हुए बलिदान दिए, आज एक आम कार्यकर्ता गांव का वोट कर रहा दे रहा है। और ये संदेश है उन राजनीतिक दलों के लिए जो लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन अपनी पार्टी में लोकतंत्र लागू नहीं करना चाहते। जल्द ही आपके सामने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने होगा। बस्ती में बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने के लिए डीएम प्रियंका निरंजन लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, साथ ही राहत सामग्री का वितरण भी कर रही हैं। इसी कड़ी में सदर एसडीएम शैलेश दुबे का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लापरवाही बरतने पर खंड विकास अधिकारी कुदराहा को कड़ी फटकार लगा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। खबर बस्ती से है, जहां हरैया विधायक अजय सिंह, एसडीएम गुलाब चंद और एडीएम डूबने से बाल बाल बचे। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सभी अधिकारी दुबौलिया के माझा किता अवल में मोटरबोट से राहत सामग्री और भोजन वितरण करने जा रहे थे, तभी पुल में निकली स्टील रॉड से टकराने से मोटरबोट क्षतिग्रस्त हो गई और डूबते डूबते बची। देखिए, माझा किता अव्वल में आज हम सब लोग, हमारे एडीएम महोदय बस्ती के बिमले चंद मिश्रा जी, एसडीएम गुलाब चंद जी और नायब तहसीलदार हमारे इनके चौधरी जी, लेखपाल और पीडब्ल्यू डी के और विभागों अधिकारी थे, इन सब के साथ हम लोग सर्वेक्षण करने भी जा रहे थे और जो है राशन वितरण करने भी जा रहे थे गाँव में। थोड़ा गाँव दूर है, पानी भी बहुत ज्यादा पानी, वहाँ करीब 7-8 किलोमीटर अंदर पानी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कानपुर दक्षिण के जूही थाना क्षेत्र से 3 मासूम खेलते खेलते अचानक गायब हो गए, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन करने के बाद जब मासूमों का पता नहीं चला तो परिजन ने थाने में तहरीर दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई। वहीं अब तीनों बच्चों के बांदा पहुंचने की सूचना मिली थी, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने स्टेशन, होटल समेत कई स्थानों पर चेकिंग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तलाश में जुट गई है। किस इनपुट में आप ये कानपुर पुलिस द्वारा ये शेयर किया गया था कि 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 10-12 साल की उम्र के हैं, बस से बांदा जाना बताया गया था, शाम को निकले हैं। बस स्टेशन चेक कराया गया, रेलवे स्टेशन में भी हम लोगों ने चेक कराया है, आसपास के जो भी होटल हैं, धर्मशाले हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनको भी चेक कराया जाएगा, प्रयास होगा बच्चे मिल जाए। कौशाम्बी में जानलेवा बुखार ने 4 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि बुखार से 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बुखार आने के बाद इन लोगों के प्लेटलेट्स कम हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इस बीमारी को डेंगू मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि फॉगिंग और मच्छर जनित दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा है।
औरैया में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में माता पिता और अन्य परिजनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस बल समेत पहुंची एसपी चारू निगम ने युवती का साहस बांधने की कोशिश की। दरअसल इस भीषण हादसे में युवती का पूरा परिवार उजड़ गया। महिला एसपी ने बेहाल महिला को गले लगाकर उसका साहस बांधा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोनभद्र में दो अलग अलग दुर्घटनाओं में एक की मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पहला हादसा घुरावल कोतवाली क्षेत्र में सामने आया, जिसमें दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और चार युवक घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा चोपन थाना क्षेत्र में हुआ। इस हादसे में भी दो बाइक आपस में भिड़ गई और इस बीच दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं जिले में अधिकारी भी यातायात नियमों का पालन कराते नहीं दिख रहे हैं, जिससे कि अवैध ऑटो और टैक्सी की वजह से जाम लग जाता है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। दिनदहाड़े सराफा व्यवसायी के साथ टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। पुलिस बनकर के दो लोगों ने व्यवसायी के साथ टप्पेबाजी की। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी बांदा बाजार से खरीदारी कर घर वापसी कर रहा था। इसी बीच पीड़ित के साथ ये घटना घटी। शहर कोतवाली के डीएवी कॉलेज के पास की ये घटना बताई जा रही है। ये शेखपुर के सड़कार हैं, जो सड़कारी का व्यवसाय करते हैं और कुछ रिपेयरिंग का सामान है, कुछ सामान लेने ये बांदा आए थे। यहाँ लेके जा रहे थे सायंकाल 5 बजे के आसपास डीवी इंटर कॉलेज के सामने इनके साथ एक टप्पेबाजी हुई। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम दरोगा हैं, एक साथ में सिपाही हैं, सिपाही या दरोगा बन के इनके साथ लूट की। जबकि वास्तविकता में ये है कि वो टप्पेबाज थे और सादी पुलिस वो थे, सिविलियन थे, क्योंकि जूते नहीं पहने थे, चप्पल पहने थे, इसलिए लगा कि वो सामान। पीलीभीत में भी पीईटी के एमबीबीएस पकड़े जाने लगे हैं। जांच के दौरान शहर के नामचीन बिनहर कॉलेज में परीक्षा देने आए सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला को लेकर के एसपी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीईटी की परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली की परीक्षा के समय लखीमपुर जिले के रहने वाले आकाश कुमार के नाम पर मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। जैसे ही कॉलेज स्टाफ के साथ अल्पसंख्यक अधिकारी केपी सिंह ने चेकिंग की और आरोपी सॉल्वर का प्रवेश पत्र चेक किया तो सॉल्वर से मैच नहीं हो पाया, जिसको लेकर संदिग्ध युवक को तत्काल थाने ले जाकर पूछताछ के दौरान आरोपी फर्जी मुन्ना भाई के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके जेल भेज दिया। आज दिनांक 16/10/2022 को प्रारंभिक अर्थ परीक्षा पीईटी का एग्जाम आयोजित किया जा रहा था। बैनर पब्लिक स्कूल पीलीभीत में एक सेंटर था, इसमें एक छात्र अपना प्रवेश पत्र लेकर के उसमें प्रवेश दे रहा था। जब इसका प्रवेश पत्र से और इसका प्रस्तुति पत्र से मिलान किया गया, इसमें भिन्नता पाई गई। केंद्र व्यवस्था द्वारा सूचना दी गई, उनके द्वारा इसमें FIR पंजीकृत कराई जा रही है। इससे पूछताछ की गई, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है और अभी पंजीकृत करके इसमें 3 टीमें गठित की गई हैं। टीमों को रवाना किया गया है कि इसके द्वारा कहाँ से एडमिट कार्ड बनवाया गया है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराया गया है, इसमें गहनता से पूछताछ करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।